Okay, Tinai. Jason Sudanan. Dadanu Gita Mare Gaunche. Dadanu Gita Mare Gaunche. Temanu Amrud Paunche.
दादानु गीत मारे गाऊ गीत मारे गाऊ छे जय सच्चिदानंद। ओके अभी चार मिनट है, क्विकली नौ कलमो बोलेंगे। खुशी अहमदाबाद चिन्नाय नंबर वन। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मने कोई पण देहधारी जीवात्मानो किंचित मात्र पण अहम न दुबे न दुबावाय के दुबवा प्रत्ये न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। अने कोई पण देहधारी जीवात्मानो किंचित मात्र पण अहम न दुबे एवी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन अने स्याद्वाद मनन करवानी परम शक्ति आपो। खुशी नंबर टू करिश्मा। हे दादा भगवान, मने कोई पण देहधारी जीवात्मानो उपदेशक साधु साधिया आचार्यनो अवनवाद अपराद अविनय न करने की परम शक्ति आपे। श्रद्धि नंबर फोर। हे दादा भगवान, मने कोई पण देहधारी जीवात्मा प्रत्ये किंचन मात्र पण अभाव तिरस्कार क्यारे पण न करे न करावे की कर्ता प्रत्ये न अनुमोदे एवी परम शक्ति आपो। दर्शना नंबर फाइव। दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहदाई जीव आत्मा के प्रति किंचित मात्र भी कठोर भाषा या तंत्रिक भाषा न बोली जाए न बोलवाई जाए एवं किसी कर्ता को ऐसी भाषा बोलने का अनुमोदन न दिया जाए ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। यदि कोई कठोर या तंत्रिक भाषा उच्चरित करे उसके प्रति रुजू रुजू भाषा बोलने की आप मुझे परम शक्ति दे। जय सत। खुशी नंबर सेवन। खुशी नंबर सिक्स। नंबर सिक्स सॉरी सिक्स। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मने कोई पण देहधारी जीवात्मानो किंचित मात्र पण प्रमाण न स्त्री पुरुष सकत। हे दादा भगवान, मने कोई देहधारी स्त्री पुरुष जीवात्मा प्रत्ये स्त्री पुरुष अगर नपुंसक गम्मे ते लिंगधारी होय तो तेना संबंधी किंचित मात्र पण विषय विकार संबंधी दोषो इच्छाओ चेष्टाओ के विचार संबंधी दोषो न कराय न करावाय के कर्ता प्रत्ये न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। मने निरंतर निर्विकार रहवानी परम शक्ति आपो। जय सच्चिदानंद। दर्शन नंबर सेवन। हे दादा भगवान, मने कोई पण रसमाल लुप्त पण न कराय एवी परम शक्ति आपो। समरसी खोराक लेवाय एवी परम शक्ति आपो। नंबर 8। हे दादा भगवान, मने कोई पण देहधारी जीवात्मानो प्रत्यक्ष कर परो जीवन सगर मृत्यु पामेलानो कोई नहीं किंचित मात्र पण अवर्णवाद अपराध अविनय न कराय न करावाय के कर्ता प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। गुड। खुशाल नंबर 9। मुझे जगत कल्याण करने की परम शक्ति। ओके जय सच्चिदानंद। दादा श्रीमंत बुलाए बाड़ को फॉलो करेंगे। नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंताय नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आय रियाणम नमो आय रियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम
नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावप्पनासनो सव पावप्पनासनो मंगलानं च सव्येसिम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ए खुशी अहमदाबाद हाँ जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। ऐसी परम कृपा करना प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही हो जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल सिंसियर प्योर बनी रहूं ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूं और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी के साथ आज? आज अच्छा रहा था। ओके वेरी गुड। ओके पुणे दादा भगवान जब पढ़ाई में समझ में जो बाधाएं अंतराय आते हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन पर कैवर्न टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। के दरसल जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान हे दादा भगवान हम हैं आपके बच्चे हम हैं आपके बच्चे दिल के है सच्चे दिल के है सच्चे फिर भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे जय सच्चिदानंद। ओके आज हेल्थ में दादा को खुश किया के नहीं? ओके चिनाय चिनाय जय सच्चिदानंद। आपका साउंड ब्रेक होता है मोनिका नहीं दे रहा अभी एक मिनट वीडियो बंद करने का है वीडियो बंद करो। हाँ। ओके अभी बोलो अभी स्क्रीन मिरर अब बोलो। हाँ सच्चिदानंद मैं आज मेरी हेल्थ में कल 10:50 को सोई थी और मेरा गोल था कि मैं 5 o'clock को उठूं क्लॉक उठी थी और आज मैंने एक्सरसाइज 15 मिनट की थी जिसमें साइकिलिंग और सुपर ब्रेन योगा 20 टाइम्स की थी और आज मैंने 3 टाइम्स प्रेयर खाने से पहले बोली थी और आज मुझे खाने में 4 टेस्ट आए थे तीखा कड़वा और तूरा और खारा आया। ओके तो आप पास हुआ क्या फेल हुआ आज?
गेल ओके खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद, मैं कल रात को 11 o'clock को सोई थी और आज सुबह मैं 6 o'clock को उठी थी और मुझे खाने में 3 टेस्ट आए थे, मुझे तीखा मीठा और कड़वा नहीं आया था और मैंने आज सुपर ब्रेन योगा नहीं की थी। क्यों आप दोनों दूसरे घर पे खाते हैं? नहीं तो क्या हो गया? कड़वा मोनिका को आया तो खुशी को नहीं आया क्यों? आज उसने रोटी नहीं खाई थी, मैंने रोटी खाई थी शाम के साथ इसके। तो अच्छा खुशी, चोरी मत करने का। करिश्मा हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने कल रात को 10:30 और आज मैं सुबह 7:15 को थी और सुपर ब्रेन योगा आज मैंने 20 टाइम्स की थी। के आप पास हुआ के फेल हुआ? मोनिका दीदी आप पास हुई के फेल हुए? फेल हुए, आज उसने सुबह उठते वक्त की चिक चिक की थी। के श्रेया दीदी संजय सचिनंद, मैं 5:45 को उठी थी और रात को मैं 9:30 को सोई थी और आज मैंने सुपर ब्रेन योगा 20 टाइम्स किया था। आज कीर्तन भक्ति क्यों छूट जाती है? दर्शना अजय सचिदानंद, मैं कल रात को 10:50 सोई थी और मुझे सुबह 6 o'clock उठना था बट मैं 6:30 को उठी थी और मैंने एक्सरसाइज 15 मिनट्स की थी और सुपर ब्रेन योगा 20 टाइम्स की थी और आज मुझे खाने में आज 6 रस मिली। अब पास हुआ के फेल हुआ है? फेल हुई। फेल दर्श खुशाल अजय सच्चिदानंद, कल मैं 10:50 को सो गया था और आज मैं 6:30 को उठा था और आज मुझे खाने में 6 रस आए थे और मैंने आज एक्सरसाइज 30 मिनट्स की थी और आज मैंने सुपर ब्रेन योगा 40 टाइम्स किया था। पास हुआ के फेल हुआ? फेल। तो आप कड़वा के रस किस में आया था? सब्जी में आया था। सब्जी में क्या आया था? मम्मी ने दवा डाली थी कड़वी? नहीं मेथी डाली थी। मेथी में कड़वा आता है? लेकिन कौन सी सब्जी थी? ये मम्मी को क्या पूछती है? ए, दर्शना मम्मी को क्यों पूछते है? वो मालूम नहीं आपने खाना खाया? खुशी दाल थी, उसका नाम नहीं पता। दाल थी कि सब्जी थी? दाल थी। सब्जी में दाल डाल के खाई थी? बढ़िया थी सब्जी। मम्मी मम्मी आपको उन लोग को सिखाओ क्या खाते है कड़वा की जरा। उनको मैंने बताया ये भूल जाते हैं तो लिखते नहीं है तुरंत। नहीं बताया मैंने जब ये लिख रहे थे तो बोला कि कड़वा रस में क्या था, मैंने कहा बढ़िया मेथी की सब्जी। क्या बढ़िया मेथी की सब्जी? हाँ उसमें हरी पत्ती वाली मेथी आती है। अच्छा बराबर, यानी मेथी की सब्जी थी, मेथी की भाजी की सब्जी। पुणे जाना पड़ेगा आपको, तो बुलाते नहीं है। नहीं आपका घर है, आप बताओ कि क्या मार रहे हैं। दर्शना ये कैसे भूल जाते हैं? खाने खाना भूलने कल से खाना भूल जाने का। ओके खुशी नहीं तो क्यों नहीं? खुशी हाँ जय सच्चिदानंद, मैं हेल्थ में 6:30 को उठी थी और रात को 12 o'clock को सोई थी, मेरे 6 out of 6 रस आए थे और मैंने एक्सरसाइज 20 मिनट्स की थी। That's a fail.
दरअसल मेरे साथ जानन मैं आज सुबह 6:30 को उठा था और मैं कल रात 11:30 को सोया था। मैंने आज एक्सरसाइज हाफ एन आवर की थी और मुझे आज 6 out of 6 टेस्ट आए थे। तो कड़वा किसमें आया था? कड़वा तो मम्मी ने जो भाजी बनाई थी उसमें वो मेथी डाली थी। और 11:30 बजे क्या करते हैं? वो मेरे टाइम टेबल में 11:30 तक का स्टडीज में दिखा है। मैंने ऐसा पूछा है नहीं कि आप क्या करते हैं 11:30 तक? तो पढ़ाई कर रहा है। शाम को पढ़ाई नहीं करने का? 10 बजे के बाद पढ़ाई नहीं करने का? हाँ। सुबह 6 बजे उठो 6:30 तब आधा घंटा करेगा तो ये सुबह का आधा घंटा इक्विवेलेंट टू रात को 1.5 घंटा। ओके फ्रेशनेस ऑफ माइंड। तो जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। ये नवनीत दीदी जय सच्चिदानंद, आज मैंने दादा को कुछ नहीं किया। दादा भगवान को अव्यय। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैं 5:45 को उठा और 11:30 को सोया और मेरे 6 out of 6 रस आए थे और मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। और आपने हेल्थ कितना बगाड़ा आज? बहुत बगाड़ा। तो कितना टीवी देखा आज? मैंने 1 hour टीवी देखा। हेल्थ बिगाड़ा नहीं बोलता है? बिगाड़ा चलेगा। तो अभी बूढ़ा जल्दी होने का है? 25 साल में बूढ़ा होने का है? हाँ वही धंधा है ना। अनन्य दीदी जय सच्चिदानंद, आज मैंने दादा को खुश नहीं किया क्योंकि आज डिनर में सब्जी और भाखरी बनी थी तो मुझे भाखरी के साथ सब्जी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने और मेरी दादी ने चाय बनाई थी तो मैंने चाय और भाखरी खाई, मैंने साग नहीं खाया। बैड गर्ल इताक्षी माँ। सही सचिदानंद, आज मैं सुबह को मुझे फीवर था इसलिए मैं 7:30 को उठी थी, रात को 11 o'clock को उठी थी। आज मैंने एक्सरसाइज 30 मिनट की थी और मुझे 6 टेस्ट आए थे सारे टेस्ट। आज पास हुआ कि फेल हुआ? बॉडी को कितना नुकसान किया और नफा किया? अव्यय ने तो बहुत नुकसान किया। नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि आज मुझे फीवर था इसलिए मैं लेट उठी थी। ओके अभी तबीयत कुछ है? हाँ अभी अच्छी है। वेरी गुड। दीपक दादा आप किधर घूम हो गया? दीपक दादा I am there. दिखाई दिया? बोलो दीपक दादा। भैया जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, ये जो आप लोगों का मिस होता है उसके ऊपर फोकस करो, टाइम पर शो क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? और जो हमें बताया है सुपर ब्रेन योगा वो 10 करने का टारगेट है ना रनी दादा? हाँ क्या बोला? 10 only 10 सुपर ब्रेन योगा का 10 ही टारगेट है ना? हाँ तो 10 करने में भी ये लोग मिस करते हैं तो सारे दिन करते क्या है ये खुशी? जैसे मिस कैसे होता है तो किसी को वॉच करने के लिए रखना पड़ेगा तुमको। लेकिन ये मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इट मे साउंड फनी, दिन में 10 से ज्यादा टाइम बाथरूम जाते हैं
तो बाथरूम जाने के बाद आप नहीं कर सकते, शेम क्या है उसमें, आपको मिस होने की चांस ही नहीं है। मैं 100 कर लेता हूँ दिन पर। यही चिट्ठी जाना है। और एक और बात मुझे बतानी थी, सॉरी, कभी कभी हम दाल और चावल मिक्स करके खाते हैं ना। हाँ हाँ, फिर सब्जी के साथ रोटी खाते हैं ना। हाँ, तो दादाजी ऐसा प्रयोग करते थे, सब कुछ सेपरेटली खाते हैं, नॉट एवरी टाइम, एवरी टाइम ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रयोग करने के लिए आपको सभी खाना सेपरेटली खाना है। समझ में आया? यानी सब्जी अकेले खाओ, रोटी जस्ट ईट रोटी, जस्ट ईट प्लेन राइस, तो आपको पता चलेगा कि प्लेन राइस का टेस्ट क्या है। समझ में आया? हाँ। एक 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 सिचुएशन ऐसी आई थी कि दादा भगवान ने चावल खाए और साथ में जो खाना खाने बैठे थे उनको पूछा कि कौन सा चावल था, तो उनको समझ में नहीं आया। फिर दादा ने पूछा ये कृष्ण कमोद था कि क्या गुजरात 70 था, ये बासमती था। आपको समझ में आता है ना कौन सा चावल होता है वो? किसने बोला? हाँ, किसने बोला? वही तो मुझे जानना है। कृष्णा, आपको क्या खाते हो तो मालूम नहीं, आपको किसे मालूम कि मम्मी ने कौन सा राइस बनाया था? नहीं, यानी ये कभी कभी ऐसे अलग से खाने पर हमें पता चलता है कि इवन चावल कौन सा है, खाने पर उसको देखने कर भी पता चलता है, खाने पर भी उसका सभी का टेस्ट अलग होता है। फिर रोटी गेहूं की थी कि ज्वार की थी कि बाजरी की थी, वो सब मक्के की थी, वो हमें पता चलता है। यानी ये प्रयोग कभी कभी करना है, क्योंकि आर्य आर्यता है, मैं निराहारी शुद्धात्मा मात्र को जानता हूं, ऐसा कुछ है। आवाज क्यों नहीं आती आपकी? ऐसा है? नवनीति भी ऐसा बोलती है? कहां चली गई? सब लोग चले कैसे जाते हैं? हाँ, ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि खाने वाला खाता है, ये बॉडी खाता है, लेकिन हम जानने वाले हैं। क्या बताया? हम जानने वाले हैं। हम जैसे जैसे आईना कोई क्रिया करता है नहीं, लेकिन आईना सब कुछ देख लेता है ना। हाँ। उसी तरह से हमारे भीतर के दादा भगवान के समक्ष ये मन वाणी कहा की क्रियाएं होती रहती है, खाने पीने की, बाथरूम जाने की, फिर घूमने फिरने की। तो हम खाने वाले नहीं है, हम बाथरूम जाने वाले नहीं है, हम हिलने फिरने वाले नहीं है, तो इसे हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ती है, यानी दादा की शक्ति बढ़ती है कभी कभी ऐसा प्रयोग करने का। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Oh, Krupa, go talk to Krupa, what you were saying. Hey, Krupa, Indian, nahi samajh mein aata hai. Okay, no problem. Sometimes, even Dada used to do an experiment while eating. What he would do, he would eat everything separately, in the sense, vegetable he will eat separately, he will take dal separately, he will eat only rice, not mixing it with dal. He will eat only roti separately, chapati separately. You know why? When we mix, then we really don't know what tastes what. But you don't have to do every time, but sometimes
like once in a week or so, you can try that. Do an experiment. You will be able to taste everything separately. And then you will be able to understand whether the chapati is made of wheat, is made of, what do you call that? Corn or like that. Millet, like that. But if you mix it with dal or eat with the vegetable, you cannot really make out, differentiate the taste of what it is. You understand? Yeah. Sometimes you do this experiment and tell us what happened. Do you know there are 6 tastes we have to taste in our food? Tomorrow. Yeah, kind of. Your homework is tomorrow at dinner time. Eat whatever you're eating, see what taste you get, and check with mommy. Okay, that's your homework for tomorrow. Okay, yeah, let us see if you can. If mom can show you all the 6 tastes. First thing, ask mom if she knows all the 6 tastes or not. Yeah, or ask Ba or ask Deepak Dada. Okay. Jai Sachidan Pradeep Dada. Haji. बोलिए आप तो बच्चे लोग तो हेल्थ में सिंसियर नहीं है तो अभी को तो 25 साल में बुढ़ा होने का है तो क्या करेंगे. मेन प्रॉब्लम ये है कि जल्दी सोते नहीं है, जल्दी उठते नहीं है, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, टीवी देखते रहते हैं, फिर खाना ढंग से खाते नहीं है, ऐसा है. तो अभी आप बताएं. और वो सुपर ब्रेन योगा पता है ना, कान पकड़ के जा करके वो दिन में 10 भी नहीं कर सकते. अच्छा देखो, दादा भगवान कहते थे कि पहली बार जिसको पता चल गया कि मेरे में ये कमजोरी है, ये वीकनेस है, इससे मुझे छूटना है. आप लोगों को छूटना है कि सिर्फ बातें करनी. मैं फेल हो गया, आपने बोला करेक्ट, बहुत अच्छी बात है. लेकिन पहले आप अंतर में देख लो कि मुझे एक गलती से, एक कमजोरियों से मुझे मुक्त होना है कि नहीं होना है. दादा भगवान कहते थे कि सभी शक्ति अंदर पड़ी हुई है. एक बार जो आपने डिसाइड किया कि मुझे ये समय सर सोना है, ये सब चीज जो परफेक्ट करनी है, तो अंदर से आपको शक्ति मिलेगी और लाइट भी मिलेगा. लेकिन ये जो कच्चा पक्का रखोगे, यहाँ मुझे करना है, वो शब्दों की बात नहीं है, ये सब हार्ट से कनेक्टेड है. आपको अंदर में ऐसा समझ में आता है कि ये जो कुछ भी गलतियां हो रही है, जो भी कमियां है, वो मेरे खुद के लिए नुकसान करता है. कोई घाटे का धंधा नहीं करेगा, कोई फेल होने के लिए स्कूल में नहीं जाएगा, वो पास होने के लिए ही पढ़ता है. लेकिन एक बार जो इंसान इसको कहते हैं, इंसान समझ में आया ना, इंसान किसको कहते हैं, जिसका फोटो 2 आंखें, 2 कान, और हाथ पांव, चलता है, दौड़ता है, वो इंसान है. इंसान किसको कहते हैं? बोलो खुशी हमदा सिनाय दरअसल हमारा सभी का लक्ष्य है कि मुझे दादा भगवान जैसा बनना है. तो अभी से हमें छोटी छोटी जो कमियां है, जो कमजोरी है, वीकनेस है, उसको हम रिपेयर नहीं करेंगे तो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे. आपको स्कूल में जाना है, 11 बजे तक पहुंचने का है, तो आपको पता है कि घर से स्कूल तक का टाइम आधा घंटा लगता है, तो कितने बजे निकलना चाहिए?
आधे घंटे पहले, आधे घंटे पहले, बराबर। कोई ज्यादा होशियार होता है ना, वो 10 मिनट पहले निकल जाता है, आधा घंटा प्लस 10 मिनट, क्योंकि वो सोचता है कि मैं आराम से धीरे धीरे करके पहुंच जाऊं। और उसका सब वो उसकी बुक्स वगैरह रेडी की कभी करने की, होमवर्क रेडी कभी करने का, नाश्ता खाने का जो कोई कुछ भी व्यवस्था है, वो कैसे तैयार होने का, उसका पूरा शेड्यूल रहता है। तो हम इंसान है, हम इस उम्र में जो सिस्टम से नहीं चलेंगे, अगर कोई बार गलती हो भी जाती है, उसमें अपवाद होता है, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा तक दादा कहते हैं कि आप जितना भी सिंसियर रहोगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, और वो अंदर से आप नक्की करोगे तभी होगा। झूम पे मैं बोलूं आप करो तो नहीं होने वाला है, आपकी मम्मी पापा बोलेंगे तो नहीं होने वाला है, आप समझे। किसी का ये बोलना ये एक क्या है कि आपके प्रति लागनी है, मैंने सु के हिंदी लगाव है, हमारे प्रति भाव है कि हमारा अच्छा हो, लेकिन ये बार बार नहीं बोलेगा, समझ जाएगा कि एक दो बार कहा, तीन बार कहा, लेकिन ये लोगों को खुद की कोई पड़ी नहीं है, कुदरती उनका व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो नुकसान किसको हुआ, हमें। तो हमें नुकसान हो, ऐसा धंधा करना वो इंसान का काम है नहीं, वो पढ़े लिखे आदमियों का काम है नहीं। जो खुद का नुकसान नहीं करने होने देता है, वो दूसरे को भी नुकसान नहीं करेगा, तो उसकी समझदारी इतनी बढ़ती है। हमें दादा भगवान का पूरा विजन यही है कि आप हृदय से नक्की करो कि मुझे ये करना है, अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर हम प्रायश्चित करके शक्ति मांगनी होती है। और फिर नेचर का ऐसा लॉ है कि हमें सब चीज दिखाते हैं कि भी किस लिए कैसे ये गलती हुई, क्यों हुई, है ना। जिसको छूटने का है, जिसको आगे बढ़ना है, वहां नेचर हमेशा हेल्प करती है, लेकिन हमारा निश्चय में कदमी है या हमें मन की बात मानते हैं, हम क्या करते हैं, वो हमें खुद को ये गलती को ढूंढना होगा और उनको रिपेयर करना है, आप समझे। मालूम पड़ा सबको? हाँ दीपक दादा, कैन यू ट्रांसलेट इट? Mr. Chidanand, what he said, that whatever you want to do, you firmly resolve. Like how you make a timetable, make a schedule for your... You make a schedule for your timetable, I mean as per your timetable, and you firmly decide that you will follow the timetable. And wherever you sleep, wherever you don't, like fulfilled as or do as per your timetable, then you apologize, you correct yourself, and again resolve that I want to follow the timetable. Because who is who can be called as human? Not just by the photograph. By photograph, we all are humans, but we must live like humans. And for that, this is the wonderful thing what Dada has given. Okay, Krupa? Yes. Yeah. Okay. And also, Krupa, if you can try to come on time, that will be great. Okay? Jai Satchidanand. Okay. Now we will.